मेरे को पता नहीं चल रहा था। जितना भी ये हम कार्यक्रम बना रहे हैं, ऐसा जो डीडी कल्याणी जी और जिनकी इनकी टीम में सारा कर रखा है, इसका एक ही एक मकसद है। वो मकसद है कि कोई किसी को राज ना दे हैं, जो ले हैं नेक बाद से ले। मेरे को मेरी आज 48 ईयर की मेरा एज हो गया। मैंने देखा जो हमारे भाई जब भी कहीं अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC, तो वो जाकर के अपने आप को छुपाते हैं और छुपा के अपने आप को उस ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण की बात करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम छुआ छाती के विरुद्ध हैं। जो उसका कोई भाई काम के लिए जाएगा तो उसका काम वो कभी भी करते नहीं। पहले मैं ये बेनती करनी चाहूंगा कि अगर हमारे में से कोई भी कोई अच्छी पोस्ट पे जाए, वहां पे जाके अपनी छूताछात का जो सिस्टम है उसको पहले खत्म करे और अपने आप को पूरा क्लियर में बताए कि मैं कौन हूं। जैसे हमारे इंडिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने अपना ये मूवमेंट को शुरू करा, बाबा फूले जी, कांशीराम जी, हमारे गुरुओं में से सभी गुरु, इन्होंने वो मूवमेंट शुरू करा। बदकिस्मती ये है हमारे देश की कि हम लोग जो भटके रह गए। जैसे अभी RSS, BJP, कांग्रेस, ये आप मत सोचिएगा, शायद हो सकता है हम लोग जहां पे जब बैठे हैं हमने इन लोगों को वोटें डाला हो, वोटें डाल के इनको कामयाब भी करा है। 70 साल हो गए हैं हमारी वोटों के साथ ये बनते हैं, लेकिन हमारा कोई भी काम नहीं करते। आज का जो एक समागम रखा था, इसमें रखा गया कि सफाई कर्मचारियों की सभी समस्याओं का समाधान कब होगा, जब हमारे पास पॉलिटिकल पावर बनेगा। अगर पॉलिटिकल पावर इन लोगों के पास चला जाएगा, ब्राह्मण लोगों के पास चला जाएगा, तो हम ये ऐसे के समागम, ऐसे के इकट्ठ वगैरह करते रहेंगे। सो सबसे पहले ये जरूरत है, जितने भी मेरे बहने मेरे भाई यहां पे आए हैं, ये काज यहां पे वादा करके जाए कि हम अपने बच्चों को ये कभी नहीं सिखाएंगे कि बेटा पढ़ाई कर और फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में नहीं जाना, फर्स्ट क्लास में ही आना है। फर्स्ट क्लास में आएगा तो तू फर्स्ट क्लास की नौकरी करेगा। कभी भी हमने अपने बच्चे को यह नहीं सिखाया कि यहां का डेमोक्रेसी जो सिस्टम है उसमें पॉलिटिकल लोगों का हाथ आगे होता है। यहां पे मैंने ऐसे SSP देखे, ऐसे DC देखे हैं। अगर एक MLA बन गया था जिसका एजुकेशन कुछ भी नहीं होता, तो DC उसके साथ ऐसे सामने खड़ा रहता है। इसका मतलब यह है, अगर हमने ये समस्याओं को दूर करना है, जहां पे हमको एजुकेट होने की जरूरत है, वहां पे पॉलिटिकल पावर भी लेना हमको लेने के लिए आगे आना पड़ेगा। सो जो आज इन पार्टियों का पॉलिसी है, RSS का, BJP का, कांग्रेस का और इसके साथ अन्य और भी पार्टियां जो देश में राज कर रही हैं, उनका एक ही एक मकसद है, SC ST OBC, सिख, मुस्लिम और ईसाई, इनके ऊपर हमने राज करना है और इस राज्य को इनका तोड़ना होगा। वो तभी तोड़ पाएंगे जब हम सियासत में, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ेंगे। अभी मेरे पंजाब में एक यूनिवर्सिटी बना है, मैं कल्याणी जी से बात कर रहा था कि यूनिवर्सिटी का नाम है
अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।